उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि में अंधाधुंध शराब की फैक्ट्रियों के लाइसेंस निर्गत किए जाने को लेकर हरिद्वार में साधु संतों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में साधु संतों ने यहां बाबा अमीर गिरी घाट पर एकत्र होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने देवभूमि को कलंकित करने वाले इन कार्यों को नहीं रोका तो बड़ी संख्या में हिंदू समाज न केवल विरोध प्रदर्शन करेगा बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही अनशन पर बैठेगा। लाइव उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। जब इसमें कतल खाने खोलेंगे और शराब की फैक्ट्रियां खोलेंगे तो वो गंदा पानी कहाँ जाएगा? गंगा के अंदर ही जाएगा। और गंगा जो है ना, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, देवताओं की भूमि में है। इसके अंदर ऐसा निंदनीय कार्य कदापि जो है ना सहन नहीं हो सकता है। ये असहनीय कार्य है, इसको हम कभी नहीं सहन कर सकते। यदि सरकार हमारी चेतावनी से मानेगी तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम आत्मदाह करेंगे और इत्यादि जो हमारे से हो सकेगा हम वो पुरजोर कार्य करेंगे। लेकिन अपने जीते जी हम कदापि भी जो है गंगा को मैली नहीं होने देंगे। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।